उज्जैन जिले के तराना में खाती समाज एवं तराना तहसील के किसानों द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से समाज जनों और किसानों द्वारा धार जिले में हुई हिंसक घटना के दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। विगत दिनों धार जिले के मनावर तहसील के बोरलाई गाँव में हिंसक घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना में खाती समाज के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 5 से 6 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसके चलते समाज जनों में आक्रोश है। इसी घटना का विरोध करते हुए और उक्त घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सर, एक हमारे साथी किसान साथी है सावर तहसील के कुमार खेड़ा ग्राम के, उन्होंने कुछ मजदूरों को पैसे दिए थे और उन पैसों को लेने के लिए मजदूर साथियों ने, उनके साथियों ने फोन लगाया कि तुम अपना पैसा ले जाओ जी। और षड्यंत्र पूर्वक उनको वहाँ पर बुलाकर मनावर थाना है वो जी, धार जिले का, उसके बोरलाई और एक घिड़किया गांव है जी। वहाँ कुछ साथी जब पैसा लेने गए तो उनकी कार को घेर कर जी उनको मारा पीटा और एक हमारे भाई गणेश पटेल की नृशंस हत्या कर दी जी। उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारे किसान साथियों ने जो धरने प्रदर्शन किए हैं जी, उसी के तारतम्य में आज तराना तहसील में किसान साथियों और अखिल भारतीय चंद्रवंश खाती समाज की ओर से ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने दिया है। इसी के साथ ग्रामीणों और किसानों द्वारा यह मांग भी की गई है कि मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता और सभी घायलों को उचित चिकित्सा व्यवस्था मिले। JSR टाइम्स के लिए तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट।